ये कहानी एक मजदूर ऑटो वाला की। मजदूर ऑटो वाला जा रहा था, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव बसता था, जहाँ पर बहुत ही पानी की किल्लत होती है। मजदूर ऑटो वाला का रोज का यह काम था, अपने ऑटो से रोज पानी उस गांव तक पहुँचाता था। रोज की तरह एक दिन ऑटो वाला पानी लेकर उस गांव को जा रहा होता है। वहां पहुंचकर पानी सभी के घर तक पहुंचाता है। जब पानी सभी के घर के सामने रख दिया तो फिर वो अपने घर को आने लगा। उसे आते वक्त रात हो जाती है। उस रास्ते में एक होटल दिखाई देती है। वो सोचता है अब तो रात हो चुकी है, क्यों ना मैं यहाँ डिनर करके घर जाता हूँ। ऑटो वाला अपनी गाड़ी होटल के पार्किंग में खड़ा करके खाने के लिए अंदर जाता है। कुछ देर में अंदर से एक वेटर आता है और उसे मेनू देकर बोलता है आप क्या लेना चाहेंगे। ऑटो वाला उस वेटर को इशारे से बोलता है एक मिनट रुको, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ। वेटर खड़ा होकर उनका ऑर्डर लेने के लिए इंतज़ार करता है। जब ऑटो वाला ने वेटर को ऑर्डर दिया, वेटर ऑर्डर लेके होटल की तरफ जाता है। अब ऑटो वाला खाना आने तक इंतज़ार करता है। अब ऑटो वाला वहाँ से डिनर करने के बाद घर को जा रहा था, तो तभी उसकी नज़र किसी आदमी के ऊपर पड़ी। वो आदमी उस ऑटो वाला से हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रहा होता है। ऑटो वाला उस आदमी के नज़दीक जाने से पहले ही ऑटो वाला उस आदमी का इशारा समझ जाता है, वो मुझसे लिफ्ट मांग रहा है। ऑटो वाला उसके करीब जाकर अपने ऑटो को रोकता है, जब तक वो आदमी ऑटो वाला के करीब आ जाता है और बोलता है मैं एक कपड़े का व्यापारी करने वाला हूँ, मैं कपड़ों को गांव-गांव घूमकर बेचता हूँ और आज मैंने सारे कपड़े बेचने के चक्कर में मुझे आज ज़्यादा देर हो गई है घर पहुँचने में, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट देंगे। ऑटो वाला बिना कुछ समझे उस आदमी को लिफ्ट दे देता है। दोनों अब अपने अपने घर को जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो आदमी ने लिफ्ट लिया था वो कुछ अजीब तरीके से सर को घुमाता है। यह देखकर ऑटो वाला उससे पूछता है क्या तुम जादू में कहीं काम वाम करते हो। वो आदमी अपनी गर्दन घुमाते हुए बोलता है नहीं। फिर ऑटो वाला पूछता है तो फिर तुम अपनी गर्दन कैसे घुमा ले रहे। वो आदमी बोलता है ये सब करने के लिए मरना पड़ता है। ऑटो वाला बोलता है मरना पड़ता है लेकिन तुम तो जिंदा हो। ऑटो वाला अकल का इतना पैदल होता है कि वो समझ नहीं पाता मैंने जिसको लिफ्ट दिया है इंसान है कि भी नहीं या किसी का आत्मा, क्योंकि इंसान अपनी गर्दन को पूरा घुमा नहीं सकता है। ऑटो वाला थोड़ी देर तक सोचता है भैया इंसान है कि बोतल का ढक्कन, अपनी गर्दन को बोतल के ढक्कन की तरह गोल गोल घुमा लेता है। तभी वो आदमी बोलता है आगे ध्यान देकर गाड़ी चला। ऑटो वाला बोलता है हाँ ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद ऑटो वाला बोलता है मुझे टॉयलेट लगी है, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। वो आदमी बोलता है यहाँ तो कोई भी टॉयलेट नहीं दिखाई दे रहा है। ऑटो वाला बोलता है रात के अंधेरे में कौन देखता है, इतना बोलकर चला जाता है। जब ऑटो वाला टॉयलेट होकर आता है, जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो उसे अंदर बैठा हुआ आदमी नहीं दिखाई देता है। ऑटो वाला सोचता है शायद उसे भी टॉयलेट लगी हो और वो भी फ्रेश होने गया हो। ऑटो वाला उसका इंतज़ार करता है, लेकिन जो आदमी ऑटो के अंदर बैठा होता है वो अब अपने असली रूप में आता है। यह देखकर ऑटो वाला का तो होश उड़ जाता है। वो आदमी अचानक उस पर हमला करता है। दरअसल यह शख्स एक आत्मा होता है
क्योंकि कुछ दिन पहले यह शख्स अपना कपड़ा बेचकर घर वापस जा रहा था, लेकिन किसी ट्रक ड्राइवर ने इसकी एक्सीडेंट कर दिया था। तब से उसका आत्मा किसी न किसी को अपने चपेट में फंसाती रहती है।